Yeah, they did. पोर्ट्रेट्स के लिए वो आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं। ये जी डायनासोर है कंप्लीट। नाम है मोहम्मद मुतीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस टाइम हम लोग आए हुए हैं दुबई मॉल में, आपको इसका विज़िट करवाते हैं। और इस टाइम हम खड़े हैं इसकी वाटर फाउंटेन के सामने, जो कि इधर बहुत फेमस प्लेस है। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इधर आके लाजमी पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं। तो आपको घुमाते हैं दुबई मॉल और सारा इसका व्यू दिखाते हैं। और इधर ब्रांड आउटलेट्स वगैरह हैं, क्लॉथिंग है, खाने पीने की है, हर चीज़ को आपको एक्सप्लोर करवाते हैं और इसके बारे में डिटेल ब्रीफिंग भी देंगे। तो चलते हैं जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखें पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए वो सामने भी एक बहुत अच्छा व्यू है। ये जहाँ हार्ट बना हुआ है उसमें खड़े होकर लोग पिक्चर्स बना रहे हैं। और ये मेरा ख्याल तीन हैं टोटल, दो हैं जी बड़ी बड़ी फाउंटेन बनी हुई जिसमें लोग बना रहे हैं पिक्चर्स। और सबसे मज़े की बात है ये आई थिंक फर्स्ट फ्लोर है या बेसमेंट में है इधर समझ नहीं आ रहा। हाँ नहीं, हाँ नहीं, ये बेसमेंट है और बेसमेंट से ऊपर वाला फ्लोर है जी, ग्राउंड फ्लोर कह सकते हैं। तो टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है सबसे बड़ी बात जो है। ये जी लोकेशन फिर आपको बताता चलूँ, दुबई मॉल की लोकेशन है। बड़े कज़न है साथ जॉब से, वो फ्री हुए थे तो उनके साथ मैं आया हुआ हूँ घूमने। बहुत अच्छा व्यू है जी, बाकी आपको मॉल का भी विज़िट करवाते हैं। हाँ जी जी, ये देखें एडिडास की आ गई है आउटलेट ये दुबई आड़ियाँ जस्ट मोरा नहीं होती हैं, वाकई एडिडास है तो इधर क्लॉथिंग भी अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है अगर आप लोग लेना चाहें। और बच्चों के लिए ये देखें जी बहुत अच्छा इधर सेटअप है स्केटिंग के लिए। अभी मेरे ख्याल क्लीनिंग हो रही है तो ये सारे देखें वेट कर रहे हैं। जब हम ऊपर से आ रहे थे नीचे तब तो हो रही थी स्केटिंग। ये देखें बच्चे खड़े। और ये आपको रूफ टॉप दिखाते हैं दुबई मॉल के, LEDs इंस्टॉल की हुई हैं। और ये इधर रैंडम मॉल्स की तरह ऐसे स्टॉल लगे हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के। तो देखते हैं अगर इधर घूमते हुए बच्चे स्केटिंग करेंगे तो आपको वो भी व्यू दिखाएंगे। ये इन्होंने बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया हुआ है स्केटिंग के लिए। इस साइड पर भी ब्रांड आउटलेट्स हैं और ये पोर्ट्रेट बनाने के लिए बहुत अच्छा इन्होंने व्यू सेट किया हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें। और जी वो सामने आउटलेट है, मैं जूम करता चलूँ, फिला की, जो कि हम लोगों ने कैरी किया हुआ है ये देखें। तो मुझे इनके बैग्स बहुत पसंद हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त व्यू है, इधर भी पोर्ट्रेट अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये मॉल का बेसमेंट है जी। और चलते हैं आगे, आपको बाकी जगह भी एक्सप्लोर करवा दें। साइड पे जी ब्रांड आउटलेट्स हैं, जैसे ये ग्लासेस की है, ये हैं गोल्ड, और ये पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए सेंटर में बहुत अच्छी इन्होंने डेकोर की हुई है। इसी तरह ये आ गई, ये क्लॉथिंग की आ गई। चलते हैं अब ऊपर, आपको ऊपर का भी एक दफ़ा व्यू दिखाते हैं सारा स्पेशल आप लोगों के लिए। एक दफ़ा मैंने खुद सारा घुमाया है, मैंने कहा मुझे पता लग जाए देन आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो ये जी मशहूर फ्रेगरेंस दुबई की जो हैं, ठीक है, अरेबिक फ्रेगरेंस लाइक कह सकते हैं, इनमें ऊद हैं, उसके बाद दूसरे जो लाइक मरजान वगैरह वो सारी फ्रेगरेंस। और ये जी वॉचेस का स्टॉल आ गया, ये भी ब्रांड आउटलेट्स हैं। क्लॉथिंग इनफ है जी, उसकी शॉपिंग की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत करके आए हैं जस्ट घूमने पर के लिए, पर्पज़ के लिए हम लोग इधर आए जा रहे हैं ऊपर। आपको ऊपर का भी सारा व्यू दिखाते हैं और एक्सप्लोर करवाते हैं, घुमाते फिराते हैं। ये देखें जी सामने एडवर्टाइजमेंट के लिए स्क्रीन लगी है, उस पर लिखा भी आ रहा था अभी दुबई मॉल, तो वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। स्टेयर्स भी हैं इधर, ट्रेन भी है, इस साइड से चलते हैं।
इधर जो सबसे बेस्ट चीज़ है जी, पूरी दुनिया का कोई भी ब्रांड अगर आपने दुबई में ढूंढना है तो आपको मिल जाएगा। ये वन ऑफ द मेन और फेमस, वर्ल्ड फेमस मॉल है जी दुबई का, और पूरी दुनिया में मशहूर है। ऊपर भी इसी तरह सराउंडिंग्स में ब्रांड आउटलेट्स हैं, सेंटर में स्टॉल लगे हुए हैं वॉचेस के, फ्रेगरेंस वगैरह के, वो भी आपको सारे विज़िट करवाते हैं इंशाल्लाह। ये जी ऊपर का व्यू है, ये भी फ्रेगरेंस की शॉप है, खुशबू आ रही है। तो चलते हैं अगली साइड को और देखते हैं, कोई खाने पीने की भी चीज़ देखते हैं, कोई चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं अगर हमें मिल गई। मोस्टली तो शॉपिंग के लिए ही हैं सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये देखें पहली साइड पे भी इसी तरह ब्रांड आउटलेट्स हैं, और ये देखें नीचे का व्यू, अ वेल फर्निश्ड हिल, ज़बरदस्त। इधर से आपको नीचे का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। ये देखें जी बच्चों के लिए बहुत अच्छा सेटअप, आर्टिफिशियल क्लाउड इन्होंने जो हैं डिस्प्ले किए हुए हैं, और वो देखें नीचे झूला लगा हुआ है, जूम करते हैं उसे और बच्चे उस पर झूला ले रहे हैं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त व्यू है, वो बच्चा बैठ गया जी झूले पे, लाइट कम है नीचे, फोकस का इशू आ रहा है, और अंडर वाटर जू भी है इधर, और वो जी डायोर की आउटलेट सामने नज़र आ रही है। पाकिस्तानी इसके भी बहुत ग्लासेस पहनते हैं, तो देख लें जी दुबई मॉल में अवेलेबल है इसकी भी आउटलेट। इवनिंग टाइम हो गया और एक तरफ से आपको दिखाना शुरू करते हैं, ये देखें विजिटर और टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। पहले की नस्बत आप लोग नोट कर लें कि रश कितना ज़्यादा हो गया। इस साइड से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें कैसे लोग आ रहे हैं। एक्चुअली ये वो साइड है जहाँ पे बुर्ज खलीफा इधर साथ ही है, तो जितने भी टूरिस्ट हैं तो इधर वो लाजमी घूमने के लिए आते हैं, और दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इवनिंग टाइम ही सारे निकलते हैं घूमने के लिए। बेसमेंट में आ गए हैं, बेसमेंट में एक और बहुत फेमस जगह है जी, लेट मी शो यू। ये देखें दुबई एक्वेरियम है और अंडर वाटर ज़ू है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगेगा। इधर से मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देता हूँ इसका, ये देखें ये फिश वगैरह आपको इधर से नज़र आएंगी नॉर्मली। और चलते इसकी साउंडिंग दिखाते हैं, ये टिकटिंग का प्रोसीजर है सारा इधर से। और ये जी उसकी लेफ्ट साइड है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर से सारा कंप्लीट जो है वो नज़र आ जाता है। ये देखें अंदर रश भी बहुत ज़्यादा है, लाइन में लगना पड़ेगा, अगर जाना भी हुआ तो हम बाहर से ही बना लेते हैं। ये फिश देखें, ये क्लोजअप है जी, ये भी जी दुबई माल का बेसमेंट है, इसे कहते हैं एक्वेरियम और अंडर वाटर ज़ू कंप्लीट बना हुआ है। ये देखें और टूरिस्ट और पब्लिक आप लोगों के सामने ही है। उधर मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड से भी, ये देखें और ये तो हो गया ऊपर का व्यू, अब नीचे टूरिस्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितनी पब्लिक, ये जी इवनिंग का टाइम हो गया, टेम्परेचर अब बाहर काफ़ी हद तक स्टेबल है और इस वजह से रश जो है वो इंक्रीज ही होता जा रहा है। हम लोग आ गए हैं बेसमेंट में, ऑफ लगा हुआ है मुख्तलिफ ब्रांड्स में, और ये थोड़ी ना ट्रेडिशनल इसका टेक्सचर था, तो आपको रूफ टॉप दिखा दें,
ये रूफ टॉप है, ये आई थिंक सो के मैप बना हुआ है डायरेक्टरी, और ये सारे रेस्टोरेंट ही हैं इधर। आते हुए ब्रांड आउटलेट्स थी और इसकी आपको रूफ टॉप दिखाते हैं। और ये एक और फेमस जगह पोर्ट्रेट्स के लिए, वो आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं। ये जी डायनासोर है कंप्लीट लेकिन इसका विदाउट फेस है बहुत अच्छी जगह है ये भी जी पोर्ट्रेट्स के लिए। ये देखें सारे विजिटर बैठे हैं और सराउंडिंग देखें फुल, मतलब कल्चरल है, जैसे अरेबिक कल्चर उन्होंने अपना शो किया है। प्लांट्स भी हैं, ग्रीनरी भी देखने को मिल गई थी नॉट आर्टिफिशियल। इसी तरह देखें विजिटर बैठे हैं सारे और पिक्चर्स बना रहे हैं। नीचे LEDs लगी हुई हैं, उन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखें इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अगर आप लेना चाहें। और इधर से आपको एक दफ़ा फिर पोर्ट्रेट दिखा देते हैं सारा। और आई थिंक सो इधर कहीं भी इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई, लेकिन ये असल मतलब जो है डायनासोर वो इन्होंने दरियाफ्त किया और उसकी हड्डियां ऐसे कलेक्ट करके डिस्प्ले की हुई हैं। ये देखें ये जी ओरिजिनल है, 2 सालों में मतलब इन्होंने निकाला है और उसके बाद इन्हें डिस्प्ले किया हुआ है। इसी तरह वो देखें, वो निकालने का सारा प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है।